तो वहीं भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच जल्द ही देश को कोरोना के दो और नए स्वदेशी टीके मिलने जा रहे हैं और इस बात की जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी है। उन्होंने कहा है कि तीसरे फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है, जल्द ही स्वदेशी टीके देश को सौंपे जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। देश को कोरोना से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग काफी सतर्क है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार ने देश में 51 API सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए 14,000 करोड़ रुपए की उत्पादक लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। आने वाले दिनों में दो और स्वदेशी COVID-19 टीके उपलब्ध होंगे। इस बात की जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को लोकसभा में दी। मांडविया ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विधेयक 2021 के पारित होने पर कहा है कि दोनों नए टीकों के लिए तीसरे चरण के प्रशिक्षण के आंकड़े जमा कर दिए गए हैं। मनसुख मांडविया ने कहा कि हमें उम्मीद है कि दोनों नए टीकों का डेटा और ट्रायल सफल होगा। ये दोनों कंपनियां भारतीय हैं, इससे जुड़ा शोध और निर्माण भी देश में ही किया गया है। सरकार की मदद से भारतीय वैज्ञानिकों ने सिर्फ 9 महीने में COVID-19 वैक्सीन विकसित कर लिया। हालांकि मनसुख मांडविया ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विधेयक 2021 के पारित होने पर कहा है कि दोनों नए टीकों के लिए तीसरे चरण के प्रशिक्षण के आंकड़े जमा कर दिए गए हैं। आंकड़ों के शोध के बाद दोनों डोजों को मंजूरी मिल सकती है। मनसुख मांडविया ने विधेयक पर चर्चा और पारित करने को लेकर कहा है कि औषधि क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान राष्ट्रीय महत्व के संस्थान बने, इनमें शोध हो और शैक्षणिक संस्थान स्थापित हो सके, इस उद्देश्य के साथ ये विधेयक लाया गया है। बीजेपी के अनुराग शर्मा ने इस पर सहमति जताते हुए कहा है कि फार्मा कंपनियां पिछले कई सालों से विकास की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों में आयुर्वेद चिकित्सा पर भी अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बता दें कि भारतीय वैज्ञानिकों ने सिर्फ 9 महीने में COVID-19 वैक्सीन को विकसित कर लिया है। तो जहां एक तरफ लगातार कोरोना के जो नए वेरिएंट के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ओमिक्रॉन लगातार अब भारत के अलग अलग राज्यों में दस्तक दे रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो ये खबर सामने आई ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को भी और पूरे देश को भी स्वदेशी दो वैक्सीन जो आने हैं उसका इंतजार है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच आखिर ये दो स्वदेशी वैक्सीन क्या रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।